ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सारी साइंस की, जिसमें हम आपके सबसे पहले आपके जॉब करियर की निकालेंगे रीडिंग, उसके बाद हम आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की, एंड फाइनली मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी जो पूरे हफ्ते आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो एक एक करके मैं आप सारी की सारे साइंस की रीडिंग करूंगी। जो आपसे रेजोनेट हो वो आप लीजिए, जो आपको ना समझ आए प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए। सारी बातें सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जिसके सामने जब आती है तभी उसके लिए ये रीडिंग होती है, तो इसका एक पर्पस है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक एक करके हम सबकी रीडिंग निकालेंगे फ्रेंड्स। ऑल राइट, ओके। सो माई डियर वर्गो, देखते हैं आपका जॉब करियर एंड रीडिंग क्या निकलता है, क्या है आपका जॉब बिजनेस करियर। द लवर्स अच्छा कार्ड आया है फ्रेंड्स, द लवर्स तो बहुत ही प्यारा कार्ड है। द इंटीग्रेशन, वेरी गुड। अगला कार्ड है फ्रेंड्स एडवेंचर, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट वी हैव अवेयरनेस। फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ सारे कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं वर्गो राशि वालों आपके करियर के लिए। देखो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपको शायद चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, अपने बॉस के साथ आप थोड़ा सा क्लैरिटी में नहीं थे, थोड़ी सी दोनों के बीच में शायद प्रॉब्लम्स भी हों पीछे। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ आने वाले टाइम में, आने वाले एक हफ्ते में, एक हफ्ते की रीडिंग है तो एक हफ्ते के हिसाब से बता रही हूँ, आपका और आपके पहले तो आपके बॉस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा यूनियन कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा टाइम है। आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अब तक अगर आप नहीं समझ रहे थे तो अब समझेंगे। अब आप उनकी और वो आपकी बातों को समझेंगे। और आपको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, अवेयरनेस वाला कार्ड से ये पता लगता है कि आपको रियलिटी चेक मिल गया, आपको पता चल गया है कि वो किस तरह के इंसान है और आपको अपने काम में अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे डील करना है, कौन सी चीज़ें आप पीछे गलत कर रहे थे और अब सही तरीके से करनी है। तो वो ना एक रियलिटी पता लग रही है, एक चीज़ में समझ में आ रही है। अगला हफ्ता आप बहुत ही क्लियर रहकर आगे बढ़कर अपना अच्छे से बढ़ेंगे और अपनी सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। वो धीरे धीरे ही होगा, कोई हफ्ते बाय हफ्ते ही चीज़ें बदलती है ना। तो आप अगले हफ्ते भी बेटर एनर्जी में मूव हो रहे हैं। जैसे आप देखें ना, छोटा बच्चा एक रास्ते पे चल रहा है, एक पाथ पे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप भी बढ़ेंगे ऐसे अगले हफ्ते, और मिलजुल कर सबके साथ एक टीम वर्क करके, कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाकर, सबके साथ एक बहुत ही यूनियन कर चीज़ों को आगे। बहुत प्यारी रीडिंग आई है करियर में वर्गो राशि आपकी, बेस्ट रीडिंग आई है आपकी अब तक की जितनी भी मैंने रीडिंग्स की हैं सबकी, ठीक है। अब मैं आपके जॉब एंड करियर के बाद आपके लव एंड रिलेशनशिप की देखूंगी, क्या है लव एंड रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज, किस एनर्जी में आप रहेंगे, क्या फीलिंग्स हैं आपकी। ऑल राइट, तो वर्गो की क्या एनर्जीज रहेंगी, वर्गो राशि कन्या राशि की क्या एनर्जीज रहेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। देखो कन्या राशि पीछे, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है, चीजें काफी खराब हुई हैं आपकी, जिनसे आप बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाया, प्यार किया, चीज़ें की, उन्होंने आपको नहीं उस हिसाब से इक्वल गिव एंड टेक किया है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है ना कन्या राशि आपके साथ, वो ये हुई है कि आपने अपने आप को इमोशनली इतना बैलेंस करना सीख लिया है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है आपकी धीरे धीरे धीरे। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना थोड़ी सी स्ट्रिक्ट क्वीन होती है, मतलब थोड़ी सी ऐसे नहीं कि कोई भी आया कुछ भी मन का खेल के चला गया,
होगा आपके साथ, पीछे ऐसा हुआ है आपके साथ, आपके साथ खेला गया है मेंटली, फिजिकली, दिल से, आत्मा से, हर तरह से, लेकिन अब नहीं, अब आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हो, आप अपने थ्रोन पे, अपने सिंहासन पे बड़े मज़े से बैठे हो और आपने कहा है कि भाई ऐसा है, अब मैं ये किसी की भी ड्रामेबाजी नहीं फालतू की सहूंगी, आना है तो आओ, नहीं तो माई वे और हाई वे वाले। और आपने सबसे अच्छा जो आपका नेक्स्ट वीक नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस बहुत अच्छे तरह से करेंगे, अपने इमोशंस को, अपने दिल को, मन को। अब आने वाला हफ्ता आपका फेस्टिवल्स का है फ्रेंड्स, दशहरा है, अपने सब फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से मनाइए, पुरानी बातों को, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर करके, वो था या वो थी तो ऐसा था, तो हमने वैसा किया था, ये था वो था वो था, करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ मैं आपको ये बातें, इंट्यूटिवली मैसेजेस आते हैं, बात को समझने की कोशिश करिए। और ना पेज ऑफ वॉन्ट से मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी ना आपने भी इतनी छोटी कर दी है उस एनर्जी को किसी की तरफ बढ़ने की, कि आप भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप वो वाले जोन में हैं। एक कार्ड और लूँगी फ्रेंड्स, देखा, द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एम्परर। अब आप अपने आप से प्यार करने लग गए हैं, आपने कहा कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई पीछे, मेरी बहुत वो हो गई है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है कि नहीं है, खुद से प्यार करने लग गए हो। अब आप करो वर्गो राशि, खुद से प्यार करो, खुद को प्रेफरेंस दो, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब कुछ बाद में, सबसे पहले हम खुद। तो आप खुद से प्यार करोगे, आगे बढ़ोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। ये आपकी है पर्सनल रीडिंग लव एंड रिलेशनशिप की वर्गो राशि। मैं आपके लिए अब गाइडेंस निकालूंगी शिवा ओरेकल कार्ड से। अगर कुछ पीछे आपने कुछ भी मिस्टेक की है तो क्या कहते हैं शिवा आपसे? शिवा कहते हैं द थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस, establish a connection with Lord Shiva and receive। भगवान शिव के साथ ना अपने इतना strong connection बना लो उस divine के साथ, खुदा के साथ, कि जो ऐसे इसकी तीसरी आँख खुल गई है ना, आपकी भी तीसरी आँख खुल जाए, आप लोगों को ऐसे अपनी तीसरी आँख खोल के देख लो, एक मिनट में पता चल जाए आपको कि कौन मेरे साथ क्या खेल रहा है, मेरे को सच में मेरे साथ कनेक्ट है या सिर्फ किसी रीज़न की वजह से मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। और वो तभी होता है जब आप गॉड के साथ बिल्कुल कूल होकर कनेक्ट करते हो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होगा, कितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। देखो, और दूसरा इमोशनल कंट्रोल, आपको ये फ़ोटो से पता चल रहा होगा कि फ़ोटो में कैसे भगवान शिव अपनी गोदी में लेके पार्वती जी को भागे भागे फिर रहे थे, और जब उन्होंने अंगडी कुंड में अपने आप को झोंक दिया था, और इतनी इमोशनल, भगवान शिव भी इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, वो आपसे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल हो जाओ, अगर अब तक नहीं थे तो अब हो जाओ अपनी इमोशनल साइड पे। अब उसमें भी टेम्परेंस के कार्ड में भी बैलेंस आया था, एम्परर में भी आपको वो यही समझा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने बारे में सोचो, और यहाँ पर भी यही आया इमोशनल कंट्रोल, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद की हर तरह से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को सोचो, ठीक है फ्रेंड्स? इमोशनल नहीं होकर चलना है लाइफ में, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। तो रीडिंग पसंद आई हो फ्रेंड्स, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो मैं नाराज़ हो जाऊंगी आपसे बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी रीडिंग को सब्सक्राइब करो। देखो मैं न्यू क्रिएटर हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग रीडिंग देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स? तो अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, और एनर्जी क्लेम ज़रूर करना फ्रेंड्स, बाय बाय।